हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नमस्कार, मैं मानसी शर्मा और आप देख रहे थे हिंद वॉरियर न्यूज। इस समय हम बख्तावर चौक पे मौजूद हैं। यहाँ पे एमसीजी के कर्मचारी तमाम यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि किस कारणवश से महामारी में भी ये लोग एकत्रित हुए हैं, क्या नाइंसाफी हुई है इनके साथ। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी नमस्कार, मैं सचिन कुमार जोन 4 एंड जोन 3 से पुलिस सुपरवाइजर भी हूँ और अभी मैं निगम रोल पे आया हूँ। लेकिन मैं इन भाइयों के साथ में खड़ा हूँ क्योंकि इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। इन्होंने इतनी महामारी में ये 4-4 साल से काम किया है, ना ही तो इनका नाम निगम रोड पे आया है। उसमें इनके साथ धांधलेबाजी की गई है। जो अधिकारियों के प्यारे थे, जो हमारी यूनियन के प्यारे थे, उनका नाम आ गया है और जो बेचारे इतने दिन से काम कर रहे थे रेगुलर, उनका किसी का नाम नहीं आया। और जो सीएम साहब ने बोला था कि भाई हम ठेकेदारी पट्टा बंद करेंगे, उसके बावजूद भी नए ठेके छोड़ दिए, ठेके खोल दिए। फिर जिस दिन कमिश्नर साहब की बदली थी, उससे एक दिन पहले वो ठेके टेंडर छोड़ के चले गए। जो इनको सैलरी मिलनी चाहिए थी वो सैलरी नहीं मिली। इनका एरियल है, एरियल का पैसा फंसा हुआ है। इनको कुछ भी सुविधा नहीं मिली, ना इनको PF ना ESI, कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं मिल रही। अगर बताओ इस महामारी में अगर इनको कुछ हो जाए तो उसका कोई जिम्मेवार इंसान कोई नहीं, उनकी जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा। भाई हाँ, तुम सब गरीबों के साथ मैं खड़ा हूँ। अब नया टेंडर छोड़ दिया है। जो नया टेंडर है, एक तो विमल राज है और एक है RK के नाम से, राघव दौलतवालिया की। अब वो उनके जो सुपरवाइजर आ रहे हैं, जो फील्ड सुपरवाइजर आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हें नौकरी पे नहीं रखेंगे। जबकि ये इस महामारी में इन्होंने काम किया, इन्होंने अपने बच्चे घर पर छोड़े, अपने बच्चों के और अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। और मेरा भी एक कहना, वाल्मीकि नहीं लग रहे जो ये सुपर ठेकेदार लगा रहा है, ये सिर्फ अपने बंदे लगा रहा है जाट के, ये हमारी नौकरी छीनना चाहता है। नू बताओ, हम कई कई साल से हमारे कहना में हमको इंसान नहीं है, वे अपने कहना में सारी वो करेंगे हमारे, हम भी तो अपनी इंसान करें। हम कहना में हम अपनी ऐसी कैसी करवा रहे हैं, अपने 4 साल हो गए, कई साल हो गए, और वो एक ही घंटे में कहना में सबको ले जाएगा। भाई ये जितनी भी ठेकेदारी है सारी बंद करो, जितने भी ये कहना में ठेकेदारी में सबको निगम में लाओ तो इनका रोजगार भी बने। ऐसा कोई कहना में एक साल से ठेके हुए, फिर दूसरा ठेकेदार आया, फिर उनको लेबर हटा दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे कोई भी नया ठेकेदार आया, इसे नाम छुट्टी कैसे हटा दिए कि हम तुमने छुट्टी पर नहीं रखे हैं। तो ये बताओ, वही 4 साल से हम काम कर रहे हैं, तो हम महामारी में बीमारी में काम कर रहे थे, कहाँ जाए बताओ। ये नया ठेकेदार आए हैं, हमारा दो गरीब आदमी के झाड़ू की नौकरी मिली है, उस नौकरी में बीमारी में खोस रहे हैं, बताओ फिर गरीब आदमी कहाँ जाए। हमारे पास क्या है, मेरे दो बेटे वो खत्म हो गए, मेरे घर वाले के जिम में गांठ है, मैं कितनी जाऊँ। इनकी उम्र देखे, मैं काम करते करते ये बूढ़े हो गए, लेकिन इनको अभी तक ये नियत में इनकी नौकरी छूटी हो गई है। ये इनको देखो, इस उम्र में आके हटाया जा रहा है, जबकि ये अपनी जवानी से काम कर रहा है। अब इसके लिए क्या आगे कोई नौकरी देगा? वो तो सीधा कह देगा भाई आपकी उम्र निकल चुकी है, इनको देखिए, इनकी उम्र को देखिए। हमें हो गए दौड़े आ रहे हैं, अब हमारे अब कहाँ जाए, कहाँ जाए। ऐसे में एक निवेदन रहेगा, कृपया करके सारे आप यहाँ पे बख्तावर चौक पे देख सकते हैं कि सारे कर्मचारी एकत्रित होके इनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और ऐसे में तमाम लोग आप यहाँ पे देखेंगे, इन सबको ठेकेदारी के जो राज है उससे उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे ठेकेदार अपनी मनमानी चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और बताइए, और किस तरह मैडम जी, मेरे को 14 साल हो गए जी, पहले हुड्डा में था, 10 साल में निगम में आ गए हैं। हुड्डा में ये सेक्टर निगम में सेक्टर है, जिससे 14 साल काम करते हुए, और मेरे को आटा डाल लग रही है। ये तो अच्छी बात हो रही है, 30 दिन से काम कर रहे हैं, एक अच्छी बात हो रही है, 14 साल से काम कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे जी हमारे पास में, समाज वाले खाएंगे क्या, ये बताओ। एक यही नौकरी बच रही है उसमें भी हटाएंगे, ये राकेश दौलतवादी है, ये पहले वोट मांगता था कि मार जाते का पैर पड़ता था, अभी हमको हटान लग रहा है। ये 500 कर्मचारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, अगर एक एक बंदा भी हटाने जाएगा, एक बंदा लगेगा, चाहे हमें ईट से ईट बजानी पड़ जाए, लग से लग जाना पड़ जाए, ये ठेकेदार आएगा तो पूरे कर्मचारी को लेगा और सैलरी बढ़ा के देगा, अदरवाइज ठेकेदारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारी को निगम में लेना पड़ेगा सरकार को, नहीं तो हड़ताल बैठाएंगे, और हड़ताल नहीं चलेगी जब तक नहीं हटेगी, जब तक ये बंदे
नगर निगम में नहीं हो जाएंगे। और जो लेबर काम करती थी उसको डंडा तीन साल हो चुका है, किसी को पाँच साल हो चुका है, हमारी हालत देखो, हम कहाँ जाएंगे, तुम्हारे क्या जाएगा, क्या हमारे बच्चे का क्या है, हम नहीं बोलते, हमारा पेट बोलता है, हम नहीं बोलते, हमारा पेट बोलता है, भूखे पांच दिन से भूखे, नौकरी से हटा रखे हम, बड़े छोटे छोटे बच्चे भूखे मरते हैं, पानी भी नहीं आता है, सरकार पानी भी एक ठेकेदार हो रहे मैडम जी, सत्य जी हो सकते हैं, सत्य लेबर से क्या कहता है, जिन हमें हाथ में पल्ली होनी चाहिए, हाथ में पल्ली होनी चाहिए, अगर जी वो पल्ली नहीं होगी, उसके हाथ में झाड़ू नहीं होगी, उसको करने में एब्सेंट होगी या तो हटाया जाएगा, ये कहा की इंसाफ ही है, इंसान पानी लेगा बैठेगा भी थोड़ी देर होगा, इन इंसान जानवर तो है नहीं, खेलने के रहेंगे, इतना तो जानवर के साथ नहीं करते, जितना तो मार साथ हो रहा है, गाली और बकते हैं, गाली बकते हैं, ठेकेदार हमें नहीं चाहिए, गंदी और बकता, गाली बैन की लोड़ी कहता, बैठा दिख जाता, बैन की लोड़ी चला तो खड़ी हो, हम चाहते हैं मैडम, मैम नया ठेका आ रहा है, नया ठेका आ रहा है, जितने हमारे 500 कर्मचारी जो कि चार चार पांच पांच सालों से लगे हुए हैं, धूप में गर्मी में बारिश में जो काम करते हैं, पैरों को चढ़ा चढ़ा के वो पानी के अंदर बढ़ते हैं बारिशों के अंदर, लेकिन आज हमें क्यों हटाया जा रहा है, हमें इस चीज का रीजन चाहिए, और मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ जितने भी मेरे कर्मचारी भाई हैं सबको निगम रोल पे लिया जाए, अदरवाइज हड़ताल होगी और ऐसी हड़ताल होगी या उठेगी नहीं जब तक एक कर्मचारी को निगम रोल पे नहीं लिया जाएगा, ठेकेदार पर ताव बंद करो, ठेकेदार पर ताव बंद करो, ठेकेदारी प्रथा से परेशान हो चुकी है, ऐसे में इनके साथ आए दिन बंद बंदूक की नौकरी से भी निकाल दिया गया, तो इनके काफी सारी मांगे हैं जो आप इस समय सुन रहे थे, कि इन लोगों का कहना है कि इनको रोल पे वापस लिया जाए, अब ऐसे में 500 कर्मचारियों को एक बार में निकाल देना कहाँ का इंसाफ है, और यहाँ पे खड़े हुए तमाम लोग, आप यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि आपको दिखाए कि कितने सारे ऐसे कर्मचारी है जो इस समय रोड पे आ गए हैं न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, और कहाँ जाएंगे तू बता दो, हम कहाँ जाएंगे तू बता दो, हमारे बच्चे कैसे खाएंगे, ये वो लोग हैं जो कोरोना काल में भी सबसे आगे बढ़ चढ़ कर सफाई कर रहे थे, इतनी महामारी के समय में ना इनको पानी पूछने वाला था, ना ही इनके इनके लिए कोई आगे आया था, और ऐसे में इनके बच्चों के साथ भी दुर्घटना हो चुकी है, उसके बाद आप देख सकते हैं महिला की एज भी आप देखिए कि कितनी बुजुर्ग है, उसके बावजूद भी ये काम करिए, और आज के समय में इनको नौकरी से निकाल दिया गया है, महामारी के समय में जहाँ इन लोगों ने लोगों के लिए उनकी रक्षा करी, हर जगह मर जा बिल्ली मर जा ऐसा ऐसा भूल जाते, जब भी हम भर भर के घेरते उसके बावजूद भी आज इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, इसी वजह से आज इनको सड़क पे आना पड़ा, बोरे में भर भर के लैटरिन धर देते, वो भी हम उठाते, हमारे हाथ भी सन जाते, हमारे पैर भी सन जाते, हमारे हाथ भी सन जाते, बदबू आती है, हम खुद खा नहीं सकते अपने हाथों से, इतनी कंडीशन हो जाती है, मैडम आपकी सैलरी टाइम पे दी जाती है या वो टाइम में 3 महीना में तो दी थी और अभी दी ना, अभी सैलरी नहीं मिली, आखिर यहाँ पे सबसे बड़े सवाल यही उठते हैं कि इन लोगों की सैलरी भी टाइम पे नहीं दी जाती है, ठेकेदार इनसे बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं, वही विधायक जी पे भी यहाँ पे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, मैम विधायक जी ने जब वोट मांगने के लिए आया था बहुत बड़े बड़े वादे कर रहा था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, आज गरीब आदमियों के ऊपर लात मार रहे हो, अरे जो पहले कर्मचारी लगा हो उसको निगम रूप पे लो, कम से कम उसका रोजगार तो बने, वो बच्चों को पेल पाट सके, हमारी माताएं हैं बहन है हमारे भाई हैं जिन्होंने बीए ग्रेजुएशन जो बीएड है वो आज ग्रेजुएशन के करने के बाद भी झाड़ू मार रहे हैं, अगर आज सरकार ये सोचती हो कि बाल्मीक समाज जाग नहीं चुका है, जाग चुका है बाल्मीक समाज, लेकिन अपने हक के लिए बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर सरकार ने ऐसा किया तो, हमारे साथ बहुत बुरा बहुत बुरी नाइंसाफी हो रही है, सरकार बहुत बुरी नाइंसाफी कर रही है, तो ठेका प्रथा बंद नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, क्या रीजन है,
ऐसे में हमारी आपसे गुजारिश रहेगी कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भाई आपको बता दें एनसीजी कमिश्नर मुकेश जी ने हाल ही में गद्दी संभाली है और ऐसे में इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के कर्मचारियों को, इसका जवाब कौन देगा? और तमाम सवाल उठते हैं नगर निगम पर कि लोगों की सैलरी क्यों नहीं दी जाती, इन लोगों को एकदम से क्यों हटा दिया जाता है, ये सरासर ना इंसाफी। और यहाँ पे खड़े हुए एक एक लोग आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस समय इतने परेशान आ चुके हैं ठेकेदारी प्रथा से, जहाँ पे इनको कुछ समझा नहीं जाता। हम भी सेफ रह सकते, क्यों हमें भी डर लगता है, ये बीमारी ऐसी है, ये सेफ है तो हम भी सेफ, पर हमने फिर भी काम किया यहाँ पे, और पक्के की चांस है तो पक्के भी निकाले, हम नहीं भर्ती हो रही है तो कोई फायदा भी नहीं है, फिर हड़ताल तो होगी, जरूर होगी। आपको क्यों लगता है कि एकदम से इतना बड़ा तबादला किया गया जहाँ पे 500 कर्मचारियों को एक साथ निकाला? वो आपने आदमी भर्ती कर रहा हार के ठेकेदार जो भी आया वो कर्मचारी नहीं ले रहा, ना सुपरवाइजर ले रहा ना कोई ले रहा, वो कहते हैं मैं अपने नए कर्मचारी लाऊंगा, जो भी हार के भी सर उन्होंने कोई रीजन दिया उन्होंने, नाम बताइए ठेकेदारों के जिनके भी नाम है। हार के इंटरप्राइजर जी मंगाल है, वे ठेकेदार ये बोल रहे हैं कि हम कर्मचारी नहीं लेंगे, उन्होंने साफ बोल दिया ये कर्मचारी यहाँ उठ के आए हैं कि हमें क्यों नहीं लेंगे, और ये वाकई निगम रोल पे जाने वाले हैं, इनका हक है, इनका हक है निगम रोल पे जाने का, इनका हक भी है, क्योंकि 2018 से काम कर रहे हैं, इनको निगम में जाने का हक भी है, और जो नए ठेकेदार है वो इनको बोल रहे हैं हम इनको निगम रोल पे, मतलब हम ठेकेदारी में नहीं रखेंगे, ना सुपरवाइजर ना कर्मचारी, कोई हम नए अपने कर्मचारी रखेंगे और सारा नया काम करेंगे, वो इधर ये बोल रहे हैं, ये इसलिए परेशान होकर यहाँ पर आए। वो लेबर को भी कह रहा, सुपरवाइजर को कह रहा है जाट होकर जाट गए हुए अपने बंदे लगाना चाहता है, सुपरवाइजर को भी नहीं लेगा ना कहना, जो हमारे ऊपर फील्ड ऑफिसर है अगर वे आएंगे भी तो कहना कैसे होएंगे, लेकिन जो हमारे जो सारे कर्मचारी उनको निगम में कर दे और बाकी जो अपने मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 3-4, मैं उनको सोता हुआ छोड़ के आती हूँ, ये बहुत दूर से आते हैं, चाय पानी भी नहीं पिलाते, वहाँ से आते हैं। और कितने साल से आते हैं? जी उजीने से आते हैं मेरे वहाँ से, और हमको 3-4 साल हो गए, अपने हाथों से मैंने अपने छोटे बच्चे हैं अभी वो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आते हैं, इसमें घर में से 4 बजे निकलते हैं, कोई बंदा पलवल से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कम से कम 70-80 किलोमीटर दूर से आने के बावजूद भी ये टाइम से ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सैलरी इनको टाइम से नहीं मिलती, सैलरी में आगे से सैलरी आ रही है कुछ और आती है और हमको दिया जा रहा है, कोई 8,000 देता है, 9,000 देता है, 6,000। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि किसी का अगर घर 8,000 से चलता हो तो मेरे घर में आके झाड़ू लगाए, मैं झाड़ू सैलरी देने के लिए तैयार हूं, 8,000 से गुजारा चलता हो 10 भी दे देंगे, हमारे घर में झाड़ू लगा के दो और हमारे घर में झाड़ू लगा पोछा लगा हम 10 भी दे देंगे। मैम सैलरी तो आगे से बढ़ के आती है, हमें यही नहीं पता होता वो सैलरी कितनी दे रहा है, सरकार ही नहीं बताती हमें क्या करें, बताओ हम, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जितने भी बंदे हैं अब तक के वो सबको निगम रोल पे लिया जाए, सरकार आगे ठेका किसी को दे कौन ले, लेकिन आज तक के जितने जिसने भी इस कोरोना काल में काम किया है सबको निगम रोल पे लिया जाना चाहिए, हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं ताकि उनका रोजगार बढ़ जाए, उनके बाल बच्चे पल सके, उन्हें पढ़ाई लिखाई करा सके आराम से। सर ये जो ठेकेदारी का राज है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से बिहेव करते हैं वो? मैम ठेकेदार अपने मन मर्जी से बिहेव करता है, हो रहा है ये आपने कभी किसी को बताया? मैम सबको बताते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती आज तक, दिन से कह रहे हैं सबसे कहते हैं सुनवाई नहीं होती, ना सरकार सुनवाई करती है ना कोई और सुनवाई करता है, सब आपस में मिला जुली सरकार रहती, मैं तो उठा रहा मैं मांगे ठेकेदारी प्रथा से पहले तो कुछ नहीं,
भैया वोट साढ़े चार साल से जो जिसका ठेका होगा मैं इनको हटा दूंगा, तो ये तो गलत है ना, किसी के साथ गलत करना। फिर निगम अगर ठेकेदार अगर निगम ही तनख्वाह दे दे, निगम ही रख ले, तो ये झंझट ही खत्म हो जाएगा सारा। अब ये जो ठेकेदार आएगा वो हटा देगा, गरीब आदमी जाएगा कहाँ? ये तो और गुलाम हुआ, मतलब गुलाम तो है ही, और गुलाम बनाया जा रहा है। आला अधिकारी जो आला अधिकारी है जी, उनको ठेकेदार पैसे दे के ठेका ले, तो अधिकारी कहाँ से बोलेगा? उन तो गरीब आदमियों का चूसता है। रोड पे कभी अफसरों ने झाड़ू नहीं लगाई, ना किसी ठेकेदार ने रोड पे झाड़ू लगाई। रोड पे झाड़ू तो ये लगाते हैं, दोपहरे के अंदर तो ये रहते सर्दी। अब जो महामारी के अंदर कोरोना काल के अंदर डॉक्टर पुलिस और सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी नहीं समा जो गंदगी उठाता है, सफाई कर्मचारी उठाता है। अब हम क्या पूरा संसार अपने बच्चों की कोटी से भी गिन करता है, ये सुबह उठते लग जाते, तो इनके ऊपर अत्याचार का अत्याचार हो रहा। और अगर ये ठेकेदार या कोई भी इनको हटाता है तो ईट सेट बजा देंगे, तो हमें जान देनी पड़ जाए, ये होने नहीं देंगे बिल्कुल। सही बात है, ऐसे में आपने सुना कि यहाँ पे बहुत बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। अब ऐसे में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो नगर निगम में भ्रष्टाचार की बातचीत की जा रही है वो काफी समय से, उसके सबके यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने है। एक एक व्यक्ति बता देगा कि किस तरीके से या तो इनकी सैलरी में धांधलेबाजी होती है, इस समय इनको नौकरी से निकाल दिया गया है, ये तमाम दिक्कतें इनको फेस करनी पड़ती है। वही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, ये वो लोग हैं जो महामारी के समय में भी आगे बढ़ चढ़ के सफाई कर रहे थे, रोडों पे थे इतनी गर्मी में भी, और उसके बावजूद आज उनको इसका ये परिणाम मिला है कि ये लोग आज सड़कों पे आ गए अपनी न्याय की लड़ाई के लिए। और ऐसे में कोई भी आला अधिकारी इस समय आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ये लोग खुद अपने हक की लड़ाई के लिए इस समय इतनी गर्मी में भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इनकी सुनवाई काफी समय से नहीं हो रही है। और अगर महामारी की बात की जाए, प्रोटोकॉल्स की बात की जाए, तो प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाने पे मजबूर किया गया है इन लोगों को। और मेरे आप लोगों से एक निवेदन रहेगा कि कृपया करके थोड़ी सी एक बार प्लीज दूर दूर हो जाइए। मैं चाहूंगी कि आप इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सर कुछ कहना चाहेंगे, आप लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है? मैडम जो काफी सालों से लगे हुए है ना, उनको तो हटाया जा रहा है, जो अभी जो झाड़ू नहीं पकड़ी है ना, उनको मतलब निगम रोल पे या पेरोल पे नहीं भी है, उनको लिया जा रहा है। जो कोरोना से पिछले जो पिछले इससे पिछले साल हुआ था उसमें भी खूब काम किया, अरब इसमें भी खूब काम किया है, तो हमारा कोई मतलब ही मतलब कोई कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। अब ऐसे में यहाँ पे ये लोग तीन तीन चार चार या उससे भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं, और ऐसे में बिना बताए इनको हटा दिया जाता है। यहाँ पे ये जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है उसकी वजह से इतनी जिंदगियां यहाँ पे दांव पे लगी हुई है, जिनके पास खाने के लिए इस समय पैसे नहीं है, और ये लोग ऑन रोड्स है, और उसके बाद आला अधिकारियों के पास जवाब देने के लिए नहीं होता। एनजीजी की धांधलेबाजी काफी समय से सामने आ रही है, और इसी की वजह से आज ये लोग तमाम यहाँ पे लोग खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, एक बार हम आपको भीड़ का जायजा भी करा देंगे, कृपया करके दूर दूर खड़े हो जाइए। यहाँ पे महिला कर्मचारी भी मौजूद है, और ऐसे में बस्तावर चौक गुरुग्राम में हम इस समय मौजूद है, जहाँ पे भारी मात्रा में एनसीसी कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन बताया एनसीसी नगर निगम को लेके। वही विधायक जी की भी बातें सामने आई है, काफी सारे यहाँ पे उनपे भी इल्जाम लगाए गए हैं। तो हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और सर आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस समय आप लोगों से बदतमीजी भी की जाती है, ऐसे कौन से लोग हैं सर? सर जो बदतमीजी की जाती है मैम, हमारे वाल्मीकि समाज से जो भी अपने हमारी माताएं बहने बेटे उनके साथ ऐसे में हमने एक जातिवाद बयान भी दिया है कि जात और ऐसा किसी भी बिरादरी का ठेका ले सकता है, अधिकार तो इन्हीं को है, लेकिन अनपढ़ है, इनको ज्ञान नहीं है, इनको समझ नहीं है, और जो इनकी पूरी फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी कर नहीं पाती। अभी कल का भी एक हादसा हुआ है, एक लेडीज है झाड़ू लगाती है वो उसके हाथ पैर तोड़ दिए, तो क्या है कि इनके ऊपर ध्यान देने वाले सर ऐसे में आए दिन इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, और इसके लिए कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। जिनकी कोई सुनने वाला नहीं, जिनको कोई अब जिनका बाप माँ बाप भी नहीं होगा वो तो वीरान होगा ना, ये तो वीरान है। इनके ऊपर ना तो कोई प्रशासन ना सरकार, वोट लेने के टाइम पे सब सरकार को ध्यान आते हैं, गरीब हैं,
वाल्मीकि समाज बस्ती है, इनकी वोट चाहिए। बाद में इनका ध्यान नहीं आता कि भाई आदमी गरीब आदमी अभी रोड के ऊपर खड़े हैं, क्या समस्या है। दो रोटी तो पूरे दिन में अगर आदमी झाड़ू लगा के दो रोटी तो करता है, कोई इनको सैलरी भी नहीं मिलती तीन तीन चार चार महीने की, कोई ठेकेदार हो तो फिर कहाँ से खाएंगे, कोई दुकानदार राशन देता नहीं, बच्चे इनके पढ़ पाते नहीं, तो छह बजे जो झाड़ू लगाना जाएगा उसके बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। सर ऐसे में जो आप लोगों की मांगे अगर वो नहीं पूरी की हम, मेरी दिल्ली भी बात हुई है, मेरी आयोग में चेयरमैन साहब से भी बात हुई है, हम पूरे हरियाणा नहीं पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली भी पूरा सब कुछ बंद करा देंगे और हिंदुस्तान में धरना प्रदर्शन कल से हमारा धरना है, कल से काम बंद कर दिया जाएगा। अगर यही चलता रहा तो फिर आगे तक हम लड़ाई लड़ेंगे, जो लड़ाई का निर्णय निकलेगा वो निकलेगा। सर सभी कर्मचारी इस समय ऑन रोड आ जाएंगे अगर इन लोगों को ऑन रोड नहीं दिया जाए। ऑन रोड आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, ठेकेदारी पर दो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब ऐसे में तमाम सवाल ये उठेंगे कि कितने जल्दी इनकी मांगों को माना जाता है। वही हमारा निवेदन रहेगा एमसीजी कमिश्नर से भी कि एक बार इस पूरे मुद्दे की जांच पड़ताल की जाए कि क्यों एक एक साथ 500 लोगों को निकाल दिया गया है। धन्यवाद, मैं मानसवी शर्मा कैमरामैन सूरज के साथ और आप देख रहे थे हिंदू और न्यूज। ऐसी ही तमाम न्यूज सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।